चुनाव हुए वो समाजवादी और समाजवादी पार्टी के साथ दलों ने मिलकर के बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, जनता के बीच में फैसला होगा, तो परिणाम भी आपको दिखाई देगा कि जिन्होंने जनता को धोखा दिया है, उन्हें सबक सिखाने का काम जनता करेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार हम लोग युवाओं के बीच में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इनका है। अगर प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है, देश आगे नहीं बढ़ता है, तो इनके सपने डूबते हैं। इन्होंने जो सोचा समझा या अपने जीवन के बारे में बदलाव चाहो वो नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना इन नौजवानों को करना पड़ेगा। इसीलिए हम नौजवानों से चाहते हैं कि समाजवादी आंदोलन को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों को और देश का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पीछे बीजेपी है क्या? इसके पीछे बीजेपी है क्या? इस बात को मैं नहीं कहता हूं। अगर आज और कल की बात मिला लें तो शक तो कहीं ना कहीं होता ही है। कोई नुकसान तो नहीं होगा समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह ये आगे बढ़ती जाएंगे। मैं नाराज हूं, मैं कहां चला जाऊं? मैं भी नाराज हूं। समाजवादी लोगों ने गरीब किसान और बदलते हुए समय में जो चीजें होनी चाहिए उन चीजों को उत्तर प्रदेश को दिया है। आप देखिए सड़क कैसी बनी है, लैपटॉप कैसे बांटा, लखनऊ में मेट्रो, दूसरे शहरों में मेट्रो, और किसानों के सुविधाओं के लिए मंडी, ये हमारे लिए बड़े नुकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी बहुत होशियार है, उनके लोग बहुत होशियार है। मुद्दा बदलना, ध्यान हटाना, लेकिन हम समाजवादियों ने तय किया है और कम से कम मैंने तय किया है कि लोकसभा चुनाव तक ध्यान नहीं हटाएंगे। केवल एक ही लक्ष्य होगा कि समाजवादी पार्टी की सीटें लोकसभा चुनाव में कैसे बढ़े। आज राहुल गांधी के खिलाफ एसीजीएम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, पिछले दिन उन्होंने आरएसएस की तुलना ब्रदरहुड पार्टी से की थी, तो क्या आप उनके बयान से इस बात रखते हैं? देखिए मैं बहुत ज्यादा आरएसएस के बारे में नहीं जानता हूँ ना मैं पढ़ता हूँ, लेकिन केवल मैंने 4-5 लाइनें पढ़ी है। जब आरएसएस पर बैन लगा, जिस समय आरएसएस को बैन किया गया था, वो मैंने 4-5 लाइनें पढ़ी थी कि किस वजह से इस पर बैन लगा था। ये एक भीमा कोरेगांव को लेकर के जिस तरह से अरेस्ट हुई है तमाम एक्टिविस्ट की, दुख है कि जो आदमी आदमी को मार रहा है वो नहीं पकड़े जा रहे। कुछ बुद्धिजीवी कुछ अगर समाज के लिए कुछ बात कह रहे हैं उन पे शायद बोलने नहीं दिया जाएगा। आप उसकी निंदा करते हैं? हम तो इन परेशानियों से बड़े उलझे हुए हैं। हमने तो घर का नक्शा दिया था, आपने होटल का नक्शा बना दिया। हम गए विदेश, आपने कहा हम तो किसी से मिलने चले गए। इसलिए आपने कहा कि युवाओं में नाराजगी है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप इनके स्वयं से इनके माध्यम से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? लगातार संगठन की बैठक चल रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य इनका बेहतर होगा अगर चीजें अच्छी हो, इनको नौकरी मिले, इनके रोजगार मिले, इनका भी तो कोई सपना है, ये लोग भी तो काम करना चाहते हैं, ये भी तो अपना परिवार, ये अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने इनकी गलत नीतियों में सब रास्ते रोक दिए हैं। क्या दुनिया में ऐसे ही देश है सर? हम पढ़ते हैं कभी दूसरे दुनिया के दूसरे देशों के बारे में कैसे उन्होंने तरक्की और खुशहाली कर लाई, क्या हमारा देश नहीं ला सकता? हमारा देश भी या हमारे नौजवान भी वो चीजें कर सकते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्से में नौजवान कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को, इस देश के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहे।
ठीक है, शरद पवार ने कहा कि जिस पार्टी के ज्यादा सांसद जीतेंगे आएंगे प्रधानमंत्री उसी तरह से। उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है। फिलहाल हम सबकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस भी कम से कम सीट जीते आए, कम से कम हो जीते। फिलहाल तो मैं अपनी पार्टी का सिलेक्शन ठीक कर रहा हूँ और मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर दें उत्तर प्रदेश में और देश में कम हो।